इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है, तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आनी बाकी हैं। जो नया सिलेबस जो सरकार ने यूपी बोर्ड के रिलीज़ किया है उसके बारे में डिटेल है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। ये खासकर आपके जो 2020 से 2021 का जो सिलेबस है उसके बारे में है, कक्षा 12 से रिलेटेड है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। ये आपको ये बता दूँ कि जो नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से क्लास 9th और क्लास 11th में बहुत बदलाव किए गए हैं चैप्टर में, पर क्लास 10th और क्लास 12th में बदलाव उतने नहीं किए गए हैं। मैं कंफर्म नहीं हूँ, फिर भी 99% मुझे लगता है कि चैप्टर वही होंगे। जो मेरे हिसाब से क्लास जो मैं अगर मैं अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूँ तो इंग्लिश सब्जेक्ट में चैप्टर्स में उतने बदलाव नहीं किए गए हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं। मैं इंग्लिश वाला पोर्शन खोल रहा हूँ, प्लीज़ आप पूरा चैप्टर जितने सब्जेक्ट हैं सबको चेक करिए कि कहीं पे कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है, क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो, ऐसा ना हो कि आप तैयारी कुछ और कर रहे हैं एग्ज़ाम में कुछ और आ जाए, तो प्लीज़ ज़रूर उसका ध्यान दें, ठीक है ना। गणित है, गणित में आप देख सकते हो, फिर उसके बाद अलग अलग चैप्टर सब चैप्टर का इसमें दिया है, भूगोल से लेकर सभी चैप्टर को यूपी बोर्ड ने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। हम बात करेंगे सिर्फ अंग्रेजी की, तो इंग्लिश में जो आपका पहला चैप्टर है वो क्या है, अ गर्ल विथ अ बास्केट, वो आपका इसी में भी है। पोएट्री में आपका कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ ये भी आपका है। जनरल इंग्लिश ग्रामर यानी सिंपल ग्रामर की मैं बात करूँगा, तो उसमें जनरल ग्रामर एक्सरसाइज मतलब जो बेसिक ग्रामर आप क्लास 9th 10th में पढ़ चुके हो वही ग्रामर के इसमें रहेगा। फिर सेकेंड चैप्टर आपका है अ फेलो ट्रैवलर, वो ट्रेन वाला याद है आपको। फिर ट्रू ब्यूटी, यही बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें बताता है कि भाई ट्रू ब्यूटी क्या है, जो अंदर की खूबसूरती है, बाहरी खूबसूरती तो बाद में लोग बूढ़े जाते हैं तो ख़त्म हो जाती है, तो है ना याद करिए। फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस है, इंट्रोडक्शन है उसमें छोटा सा। फिर ट्रांसलेशन आपको पढ़ना है ग्रामर में, फिर छुट्टी आपकी हो जाएगी। फिर प्रोज में सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर याद करिए, इसमें हेल्थ के बारे में, सक्सेस के बारे में, पावर और पावर के बारे में बताया गया था ठीक से। फिर पोएट्री में ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसमें वो पोएट अंधे हो जाते हैं, है ना। फिर शॉर्ट स्टोरी में पहला लेसन है द गोल्ड वॉच, ये भी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, आप चाहे तो वीडियो अगर आपको नहीं मिला है तो आप वीडियो के लिंक में जाकर वीडियो ले सकते हो, या आप मुझसे पूछोगे मैं आपको वीडियो दे दूँगा कमेंट बॉक्स में। फिगर ऑफ स्पीच, ये आपको याद होना ही चाहिए, कृपया करके इसको याद कर लीजिए। मैंने इसका वीडियो अब तक नहीं बनाया है पर मैं इसका वीडियो जल्दी आपको बनाकर देने वाला हूँ। प्रोज में द होम कमिंग, ये भी चैप्टर मैंने बता दिया है, आप ज़रूर जाके देखें। फ्रॉम एन एल्गी रिटन इन कंट्री चर्चा, ये भी मैं पोएम बता ही चुका हूँ आपको, ये सब पोएम मैं बता चुका हूँ। अभी आधा सिलेबस मैंने वीडियोस के द्वारा आपको बताया है, अभी आधा सिलेबस बाकी है पर ये आपको मैं बता रहा हूँ। एन एस्ट्रोलाइजर्स डे, ये आपको पढ़ाना बाकी है शॉर्ट स्टोरी में। फिर पोइट्री में अलेमेंट है, द अलेमेंट ला बेला डेम सेंस मर्सी, ये पूरा पोएम का नाम है, तो वो आपको पढ़ाना है। प्ले में आपका जो आएगा वो मेन आएगा, मेन कैरेक्टर और इवेंट आएंगे जो आपकी किस्में थे, जो आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस में थे, ये भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता चुका हूँ पिछले ही कुछ 3-4 महीने पहले। फिर कंपोजिशन है, फिर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आ जाएगा आपका, जो सितंबर में नहीं होगा, चिंता मत करिए, ये आपका एग्ज़ाम हो सकता है अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर में हो। फिर प्रोज में चैप्टर आई एम जॉन्स हार्ट, ये चैप्टर ऐड किया गया है। फिर फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑथर माई हेवन, ये पोयम है। शॉर्ट स्टोरी में द लॉस्ट चाइल्ड है ना, ये लॉस्ट चाइल्ड क्लास 9th में भी है एक चैप्टर के रूप में। फिर इसके बाद वुमेंस एजुकेशन, ये चैप्टर आपका पहले भी था। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवेंट, ये चैप्टर इवनिंग, ये भी चैप्टर आपका पहले ही था। द स्पेशल एक्सपीरियंस, ये भी चैप्टर आपका पहले ही था। फिर ग्रामर की बात करें तो इसमें आएगा सिंटेक्स, फिगर ऑफ स्पीच, तो फिगर ऑफ स्पीच जैसे बता रहा हूँ मैं बताने वाला हूँ, और सिंटेक्स मैं बता चुका हूँ। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपका इसका वीडियो दे दूँगा। हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये पढ़ाना बाकी है। पोएट्री में द सॉन्ग ऑफ द फ्री, ये भी मुझे पढ़ाना बाकी है। जैसा कि बता चुका मैं लगभग आधा सिलेबस आपका पढ़ा चुका हूँ, आधा सिलेबस आपको मैं कोशिश करूँगा कि दिसंबर से पहले आपका ये पूरा ख़त्म करने की कोशिश मैं करूँगा। फिर जनरल ग्रामर एक्सरसाइजेज होगी, फिर अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज पता है ना जो पैराग्राफ वाला आता है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर
आंसर आते हैं वो आपको करना है। ट्रांसलेशन ध्यान देना है, वो जो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी वाला वो भी आपको सीखना है। फिर रिवीजन करना है आपको जनवरी में सभी चैप्टर्स के, है ना, ये लास्ट जितना आपको दिसंबर में दिख रहा है वही आपका लास्ट चैप्टर है। फिर बोर्ड एग्जामिनेशन आ जाएगा, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, जनवरी में आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये सिलेबस आपने आपको दिया गया है, यहाँ साफ साफ नोट में लिखा है, जिन विद्यालयों में विद्यार्थी अनुवाद के स्थान पर गद्यांश अथवा पद्यांश का संक्षिप्त विवरण अथवा अंग्रेजी साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नों का चयन करते हों, वहाँ इन पर आधारित पर्याप्त अभ्यास का समावेश किया जाना चाहिए। अर्थात इसका मतलब है कि जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संक्षिप्त विवरण मतलब गद्यांश पद्यांश की बात हो। इसमें खासकर आपको ध्यान देकर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी होंगी, ये जो यूपी बोर्ड ने उसने ये सलाह दिया है। तो आप और भी इसमें सब्जेक्ट के पॉइंट देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इंग्लिश का ही बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं कंट्रोल में रख पा रहा हूँ इसको, इसीलिए बाकी उतना मुझे डिटेल नहीं पता है, ठीक, बाकी सब्जेक्ट के मैं बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको ज़रूर आप चेक करिए, लिंक को डाउनलोड करिए और इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों को शेयर करिए, व्हाट्सएप शेयर करिए, फेसबुक शेयर करिए, चाहे आप यूट्यूब से ही शेयर करिए, पर शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो आधा सिलेबस है वो भी आपको मिल जाएगा, ग्रामर के कुछ पॉइंट जो बचे हुए हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो। सो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।